श्रवण जी, आपने तीनों तीनों वक्ताओं को सुना और आपका अपना असेसमेंट क्या है? क्या 8 साल का समय कम होता है, जैसा कि संदीप जी कह रहे हैं भाई उनके जाने के बाद उनका असेसमेंट हो पाएगा कि दरअसल पास हुए फेल हुए, जिन उम्मीदों को जगाया था 2014 में वो पूरे हुए या पूरे नहीं हुए, देश पूरी तरीके से बदला या नहीं बदला, कैपेसिटी बिल्डिंग उन्होंने की जिसका फायदा भविष्य में होगा, आप कैसे देखते चीजों को? देखिए आशुतोष जी, अभी हमें पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी कितने साल रहेंगे सत्ता में, 4 साल रहेंगे कि 14 साल रहेंगे, तो 4-5 साल बाद असेसमेंट होगा ये अभी कहना ठीक नहीं। वो अपना सक्सेसर चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे ये हमको पता नहीं है, क्योंकि 8 साल में हमने उनका कोई सक्सेसर देखा नहीं है। और वो सक्सेसर की थ्योरी में बिलीव करते हैं कि नहीं ये भी हमें पता नहीं है। इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है कि इंडिया इज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, साथ ही उसने इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में भी ये कहा है कि ये अधिनायकवाद की तरफ जा रही है। इकोनॉमिस्ट ने जो कहा, मैं तो रेगुलर रीडर हूं, अगर मैं वो पढ़ के सुनाऊं तो थोड़ा सा, पर ये समय नहीं है और जगह नहीं है, और ये हम लोग नरेंद्र मोदी की आलोचना के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। देखिए, जो मैं नरेंद्र मोदी को 8 साल में किस तरह से देखता हूँ और पिछले 40 सालों में 50 सालों में दूसरे प्रधानमंत्रियों को किस तरह से देखा है व्यक्तिगत रूप से, हम 8 साल में ये जान नहीं पाए हैं कि प्रधानमंत्री क्या है, हमारा प्रधानमंत्री क्या है, वो क्या चाहते हैं ये भी हमको पता नहीं है, और वो देश को किस जगह ले जाना चाहते हैं ये भी हमको जानकारी नहीं है। संदीप घोष कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की तरफ से कह रहे हैं कि अपनी तरफ से कह रहे हैं, मुझे पता नहीं, पर मैं मानता हूं कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। मैं संदीप जी से या तनेजा साहब से कोई एक एक क्षेत्र ऐसा जानना चाहता हूं जिसमें हम ताकतवर हुए, हमको लग रहा है कि हम एक राष्ट्र के रूप में एक संगठित राष्ट्र हैं। मुझे जो लग रहा है कि हम डरे हुए हैं, ज्यादा डर रहे हैं, हर दिन के साथ ज्यादा डर हमारे बीच में बैठ रहा है, और नागरिक के तौर पर हम ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं। लोगों के बीच में डर का पैदा होना वो राष्ट्र की ताकत को दिखाता है या प्रधानमंत्री की ताकत को दिखाता है, ये फर्क करना मुश्किल है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ताकतवर हुए हैं और दुनिया के मुल्कों के बीच भी ताकतवर हुए हैं, कि मतलब दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो अब डरने लगे हैं, हमारे पड़ोसी भी हमसे डरने लगे हैं। कोई एक ऐसा पड़ोसी देश नहीं है जो हमसे नहीं डरता है। यूक्रेन के मामले में सारे देश हमको मनाने में लगे हुए हैं, ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं कि हमको रूस का साथ नहीं देना चाहिए और कंडेम करना चाहिए, तो हम कायम है। तो इस मामले में आप हमें ताकतवर मान सकते हैं, पर जो मूल मुद्दे हैं जिसकी तरफ आपने बताया था, मैं बेरोजगारी की बात भी नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री विदेशों में जाके बताते हैं कि हम कितने लोगों को, अभी उन्होंने बताया कोपेनहेगन में, कितने लोगों को सरकार पोषण दे रही है, टोक्यो में भी बताया, सरकार इसको उपलब्धि मानती है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है। आप 80 करोड़ लोगों को रोजगार दें तो मैं उसको उपलब्धि मानूंगा। हो सकता है किसी दिन आप पूरे देश को अनाज बांटने लगे, तो मैं उपलब्धियों के मामले में हम किस चीज को उपलब्धि माने,
मानवाधिकारों के मामले में हम माने, अभिव्यक्ति की आज़ादी के मामले में माने, मीडिया की फ्रीडम के बारे में माने, किस चीज के मामले में हम माने कि हम लोग आगे हैं, मतलब हमारी तरक्की का पैमाना क्या होना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमने तरक्की की है वो हम किस पैमाने से मानेंगे। आपने पूरी पब्लिक सेक्टर की सारी यूनिट्स को बेच रहे हैं, आप एक एक करके बेच रहे हैं, केवल दो हाथों में तीन हाथों में पूरे वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, आप इसको क्या मानते हैं, उपलब्धि मानते हैं, इकोनॉमी को ताकतवर होना मानते हैं? कैम्ब्रिज में जो राहुल गांधी ने जिक्र किया आपका, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो हम किस चीज को 8 साल का मूल्यांकन मानते हैं, ये पूरा का पूरा मामला है कि हम किस चीज में आत्मनिर्भर अपने आप को मानते हैं, रोजगार में मानते हैं, अनाज में मानते हैं, लोगों के लोग, हिंदू मुस्लिम मामला आपने जिक्र किया, आप बताइए कि 20 करोड़ की पॉपुलेशन आप आज की तारीख में डरी हुई है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड इतना पहले कभी नहीं रहा, 1947 में जो हुआ विभाजन के समय उसके कुछ स्कार रहे पर वो खत्म हो गए, आज फिर से वो पैदा हो रहे हैं। धर्म के नाम पर जो बंटवारा हो रहा है देश में, क्या आप उसको उपलब्धि मानते हैं? आपके फेडरल स्ट्रक्चर पे जो हमला हो रहा है उसको क्या आप उपलब्धि मानते हैं? तमिलनाडु का जिक्र किया संदीप घोष ने, मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री के भाषण को, क्या तमिलनाडु प्रधानमंत्री की तारीफ करता है? प्रधानमंत्री के जो फेडरल जो पॉलिसीज है उसको एंडोर्स करता है? क्या तेलंगाना करता है? क्या वेस्ट बंगाल करता है? क्या गैर भाजपा सरकारें, गैर भाजपा राज्य केंद्र सरकार का साथ देने को तैयार है? तो हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी ताकत को किस तरह मजबूत मानते हैं? मैंने सुना, तनेजा साहब को भी सुना और संदीप घोष जी को भी सुना, मैं थोड़ा समझने में, मेरी असमर्थता हो सकती है, मेरी कमजोरी हो सकती है कि मैं 8 साल में क्या उपलब्धि है उसको समझ नहीं पाया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।